हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है हमज़ा बेग और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है HP World। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही कम टाइम के अंदर मेरे 1.13K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाए। और अब चलते हैं अपने आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग कुछ फ़नी रैंडम वीडियोस के ऊपर कमेंट्स और रिएक्शंस देंगे, बहुत ही मज़े के। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने होगी, तो मेरे साथ एंड तक बने रहें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बन जाएं HP World टीम का हिस्सा। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान किसने बनाया? पता नहीं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बिल्कुल ठीक चीज़ है, क्योंकि हमारे जब घरों के अंदर मादरी ज़ुबानें जो सी होती हैं बोली जाती हैं, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, जो भी है, मतलब कि जिस इलाके में आप लोग रहते हो, तो बेसिकली जब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर बिठा दे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, ये जाता है तो वो इंग्लिश पढ़ रहा होता है। तो बेसिकली टीचर्स भी इसी तरह से करते हैं कि वो रोटा लगा देते हैं, तो उन चीज़ का उनको मीनिंग्स बिल्कुल भी नहीं पता होता बच्चों को कि हम क्या बोल रहे हैं, और मीनिंग्स उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है, तो बस वो जस्ट उन्हें याद कर लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक चीज़ है ये यार। महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और पैंपर को थोड़ा सा ख्याल करो यार, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं बच्चों के। क्या सलूशन होगा इसका, देखते हैं क्या हाल निकलता है इसका। A few moments later. यार ये क्या कर रही हो आप? यार महंगाई बहुत हो गई है। टेम्पर से महंगाई के दौर के अंदर सूखने शुरू हो गए यार, हद है। वैसे इसका एक और हल भी हो सकता है, बुरा नहीं माना हल सिर्फ जमात इस्लाम। बेटी यार बाकी महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है इन फ्यूचर के अब पैम्पर्स भी धो के सुखाए जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये जो सा बंदा है यार, या जो भी मखलूक है गाइस, बेसिकली चढ़ती पड़ती जो सी है परचून की दुकान है, और जब ये बेसिकली गली के अंदर निकलता होगा तो बच्चों की तो ईद ही हो जाती होगी, और बच्चे इसके अंदर से कभी चूरन और सुपारियाँ, टैंक जो भी थे गाइस, तो जब वो उतारते होंगे तो फिर ये इसका वही हाल होता होगा जो वो कंपनी के अंदर वो कतरीना कैफ का नहीं होता गाइस, वही सेम इसका हाल होता होगा बेसिकली ना। आई लव यू। I love you यार, क्यों अपनी बीवी को I love you नहीं बोल सकते? शर्मा गई पगली। काम करने दो होता मेरे लिए। और शर्मा गई। अरे यार तुम क्या देख रहे हो, शादी हुई है तुम्हारी, बीवी है तुम्हारी, क्या देख रहे हो यार तुम लोग, नेक्स्ट वीडियो यार क्या देख रहे हो। ओ की मसला बन गई, लंगड़ा के क्यों बैठना है? डॉक्टर साहब पहले वादा करो, हंसोगे तो नहीं? अच्छा नहीं हंसता। एडी बुरी लत। डॉक्टर साहब तुसी वादा किया सी के हसांगा नहीं। अच्छा मसला दसो की है? कोई दवाई दो, ये कल दी सूजी हुई है। तो गाइस ये भी सूजी हुई थी इसकी लात जिसे कहते हैं ना, तो इससे मोटी लात तो इससे मोटी तो वो होता है जो झंडे के अंदर डंडा नहीं दिया वो होता है, इससे मोटी तो वो होता है गाइस। अब बच्चों से मैं बात करूंगा, और यहाँ पे बारिश वाला मौसम है, चिक्कड़ ही चिक्कड़ है हर जगह पे, और मामा दसिया तक आ रही यार, की हो गया मेरे नाल यार, प्रैंक हो गया मेरे। तो गाइस ये बंदा जो उनसे इंटरव्यू लेने गया और अपना इंटरव्यू लेके घर वापस आ गया। तो आजकल बेसिकली बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब बाहर जाएं तो इतिहास से जाएं, वरना वापस घर ही आएंगे। ये लो, बस सब कुछ ले लो, छोड़ दो प्लीज।
ये अंगूठी नहीं दूंगी, ये शहरयार की दुल्हन की है। अरे माँ जी क्या कर रही हैं ये? माँ जी भी कहते और अपने खानदान वाले को लूटती भी हो। अरे आपकी साड़ी, अरे चाहिए नहीं, दरवाजे में फंसी हुई है। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया, मैं समझी। आप गलत समझी, हम तो खुद टारगेट एंटी किलर थोड़ी है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये हकीकत चीज़ है, जब आप लोग कराची में जाते हो ना, तो कराची के अंदर आप जिस भी बंदे के पास आ जाके आप बैठोगे तो आप लोगों को अपनी स्टोरी ज़रूर सुनाएगा कि मेरा मोबाइल जो सा था वो दो बंदे आए और एक ने पिस्टल रखी और वो ले गए मोबाइल, चाहे वो 2007 में क्यों ना लेके गए हो और वो मोबाइल भी भले से 3310 क्यों ना हो, पर वो अपनी स्टोरी आपको ज़रूर सुनाएंगे। जब तक वो आपको अपनी स्टोरी नहीं सुनाएंगे तो गाइस उनका नहीं चलता, जिसे कहते हैं ना कराची वालों का। तो कराची के अंदर बेसिकली वो हर बंदा आपको स्टोरी सुनाएगा इस तरह की अपनी के मोबाइल की, तो ज़रूर सुनाएगा आप लोगों को जब भी आप जाओगे ना। तो ये बेसिकली हकीकत है कि इतना आपको डर बैठ जाता है आपके दिल में, चाहे आपको आप बाहर वहाँ पे घूमो फिर वो कुछ भी ना हो आपके साथ, बट लेकिन आपको लोग जब स्टोरी वगैरह सुनाएंगे तो कोई वैसे ही दो बंदे चल के आ रहे होंगे सन्नाटे के अंदर तो आपको वैसे लगेगा कि यार नहीं मेरा मोबाइल स्नैचिंग होने लगा है। तो बेसिकली सही चीज़ थी इसके अंदर जो था ना। हेलो कौन है? तो गाइस के अंदर बेसिकली सेम वही हुआ है कि आप किसी को मिस कॉल कर रहे हो और वो आगे से बंदा उठा ले तो आप लोगों को बाद में पता चले कि मेरा तो यार 20 रुपए का बैलेंस उड़ गया, तो उसके बाद यही इमोशंस होते हैं बंदे के। वेलकम सलाम, घर से निकल गया हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। असल में यहाँ पे पानी बहुत है, घर थोड़ा साइड को थोड़ा पानी बहुत है, मैं बस 10 से 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा लेट हो जाए तो फाइनली अर्जेंट कर चलेगा सर आपके लिए। तो गाइस ये बेसिकली जो कॉल सेंटर में लोग काम नहीं कर रहे होते तो उनको कोई छुट्टी नहीं होती ना ईद की ना किसी चीज़ की, तो बेचारे बहुत लॉयल होते हैं अपनी जॉब के साथ जिसे कहते हैं ना, तो ये उनमें से बेचारा एक होगा। तो इतना पानी खड़ा हुआ है तो ये गुब्बारे फुला के अपनी उसके अंदर शलवारों के अंदर तो ये जा रहे हैं भाई सब जॉब पे, क्या बात है यार। नेक्स्ट वीडियो मदर स्ट्रीम क्वार्टर स्ट्रीम गर्लफ्रेंड स्ट्रीम hiding in the shade with some like aloo palak gobi na le teende how teende piniya grele matar gobi na le teende। तो फ्रेंड्स बेसिकली बिल्कुल ठीक चीज़ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अब्बू कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अम्मी उसकी कहती है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो उसकी जो फूफो होती हैं वो कहता है कि ये बनेगा, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है आगे चल के वो कहती है ये बनेगा, और या तो फिर आप सब प्रोफेशन अगर करना चाहते हैं तो फिर वो एक ही बंदा है इस दुनिया के अंदर जो है जॉनी सिंह्स। पर लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इतनी हम लोगों को सहूलतें अवेलेबल नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ पर जॉनी सिंह्स नहीं बन सकते। तो बेसिकली फिर आप यही कह सकते हो, मेरी माँ कहती थी कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आप कोई भी धंधे से स्टार्ट करो तो फिर उससे आप तरक्की कर सकते हो गाइस। तो गाइस अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट क्लिप की तरफ। यार वेरी फनी। तो गाइस हंसते हंसते हम लोग करते हैं अपनी इस एपिसोड को क्लोज। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,